दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2019 के फिजिकल के बारे में। आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है और अब आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है वो है फिजिकल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में फिजिकल के बारे में क्या दे रखा है, मतलब कौन कौन से टेस्ट आपके फिजिकल में कराए जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे कि 2015 में एसएससी जीडी का फिजिकल किस तरह से कराया गया था। तो दोस्तों, मेरा तो फिजिकल नहीं हुआ था, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो अभी बीएसएफ में है, तो उसका फिजिकल हुआ था 2015 में। तो उससे मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली है और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि 2015 में किस तरीके से सारे के सारे टेस्ट कराए गए थे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों, नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले दिया हुआ है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, जिसको हम पीईटी बोलते हैं। तो दोस्तों, पीईटी में केवल आपका एक ही टेस्ट कराया जाएगा जो है रेस, मतलब आपको रनिंग करनी होगी। अगर मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और अगर फीमेल के लिए बात करें तो 1600 मीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर पैराग्राफ बी दिया हुआ है। तो ये उन कैंडिडेट के लिए हैं जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, तो इनके लिए रेस का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। मेल कैंडिडेट के लिए है 1 मील 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए है 800 मीटर 4 मिनट में। उसके बाद अगर हम पैराग्राफ सी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ पीईटी विल बी कंसिडर्ड आर डिस्क्वालिफिकेशन एंड प्रेगनेंट फीमेल कैंडिडेट शैल बी रिजेक्टेड एट दिस स्टेज। मतलब कोई भी फीमेल कैंडिडेट अगर पीईटी के टाइम पे प्रेग्नेंट है तो वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगी। उसके बाद अगला पैराग्राफ है डी, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर जितने भी एक्स सर्विस मैन हैं उनको दौड़ना नहीं पड़ेगा, रनिंग नहीं कराई जाएगी, उनका केवल हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम पीएसटी की, ठीक है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पीएसटी की तो पीएसटी में कुल 3 टेस्ट आपके कराए जाएंगे जो हैं हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट। सबसे पहले अगर हम हाइट की बात करते हैं तो जनरल एससी और ओबीसी के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी लंबाई मांगी गई है 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की लंबाई मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। साथ में दोस्तों, यहाँ पर लंबाई में रिलैक्सेशन की बात भी की गई है, और सबसे पहले जो कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है वो है एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी लंबाई होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बाकी जितने भी पैराग्राफ हैं इनको आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम दूसरे टेस्ट की। तो दूसरा टेस्ट है चेस्ट का मेजरमेंट, लेकिन दोस्तों ये टेस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, केवल मेल के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एससी और ओबीसी के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनका सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर भी की गई है। तो दोस्तों अगर हम एसटी कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए 76 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा सीना होना चाहिए बिना फुलाए, और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद तीसरे टेस्ट की दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो तीसरा टेस्ट होगा आपका वज़न, यानी आपका वेट नापा जाएगा, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई फिक्स वेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ इतना यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप लोगों ने वो चार्ट भी देखा होगा जो चार्ट आता है कि आपका लंबाई के अकॉर्डिंग वज़न है या नहीं, तो आप नेट पे जाके वो चीज़ सर्च भी कर सकते हो, वो चार्ट आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर केवल आपका वेट मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये सारे जितने भी टेस्ट हैं ये 2015 में किस तरीके से कराए गए थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 2015 में फिजिकल का प्रोसेस क्या था, मतलब कौन कौन से टेस्ट पहले कराए गए, कौन कौन से टेस्ट बाद में कराए गए और किस तरीके से कराए गए। अगर हम 2019 की बात करते हैं तो लगभग यही पैटर्न आपको 2019 में भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले एडमिट कार्ड पर आपको जो भी टाइम फिजिकल के लिए दिया हुआ है उससे लगभग 2 घंटे पहले आपकी ग्राउंड में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, एंट्री होने के बाद वो आपके कागज़ थोड़े बहुत चेक करेंगे, जैसे एडमिट कार्ड, आपके आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, ये सब। और चेक करने के बाद आप लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा लगभग 200 से 300 कैंडिडेट का। तो आपका ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका ग्रुप बन गया तो उसमें सबसे पहला काम जो होगा वो होगा आपका हाइट का मेजरमेंट। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पर एक दरवाजे जैसा कुछ बनाया है ऐसा ही आपके सामने रख दिया जाएगा, और सारा का सारा ग्रुप इसमें से होके गुजरेगा। ठीक है, अब अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई चाहिए उनको 170 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो दरवाज़ा है ये एग्जैक्ट 170 सेंटीमीटर का होगा, और अगर आपकी लंबाई 170 प्लस है
तो आपका माथा इससे टकरा जाएगा तब आप पास हो। अगर आपकी एग्जैक्ट 170 लंबाई है तब भी आपका सर इससे टकराएगा कहीं ना कहीं, तब भी आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी लंबाई कम है 170 से, तब आपका सर इस दरवाजे से नहीं टकराएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको आपकी लंबाई तो पता नहीं चलती है, लेकिन यहाँ पर ये काम सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं, जिनकी लंबाई नहीं है उतनी, उनको बाहर कर दिया जाए। तो ये पहला प्रोसेस होता है। अब दूसरे प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो वो है रनिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों रनिंग की हम बात करते हैं। तो सारा कुछ मैं आपको फैक्ट वाइज बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों अगर हम रनिंग की बात करें तो सिर्फ कुछ ही सेंटर ऐसे थे जो ग्राउंड पे दौड़ा रहे थे, बाकी सारे के सारे सेंटर रोड पर दौड़ा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे उतने ज़्यादा ग्राउंड थे भी नहीं, अब तो काफ़ी नए नए ग्राउंड बन चुके हैं। ठीक है, दूसरा फैक्ट ये है कि आपके पाँव में चिप नहीं बांधी गई थी 2015 में। देखिए चिप का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका ग्रुप थोड़ा सा बड़ा है और आप पीछे खड़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपका टाइम तभी स्टार्ट होता है जब आपका पाँव पट्टे पर पड़ जाएगा, मतलब आपको एग्जैक्ट 24 मिनट मिल जाते हैं, लेकिन चिप नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, देखिए हुआ क्या, अब आपका ये ग्रुप यहाँ पर तैयार खड़ा हुआ है दौड़ने के लिए, तो वहाँ से अनाउंस किया जाएगा और उनके पास एक घड़ी होगी, उस घड़ी में उन लोगों ने 24 मिनट का स्विच स्टॉप लगा के रखा होगा और अनाउंस कर दिया जाएगा दौड़ने के लिए। तो पूरा ग्रुप दौड़ने के लिए स्टार्ट है और दौड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पर खींची है, तो आप इधर की तरफ दौड़ना स्टार्ट करोगे और ये डिस्टेंस है आधी डिस्टेंस आपके रनिंग की, मतलब 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर आप यहाँ दौड़ते हुए पहुँच जाओगे इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर वहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसर्स खड़े रहेंगे और वो आपको टोकन देंगे, तो आपको एकदम से टोकन लेकर के वापस आना होगा फिर से 2.5 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपकी 5 किलोमीटर की रेस हो जाएगी कंप्लीट। अब कुछ फैक्ट, आप घड़ी लेकर के दौड़ सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा फैक्ट ये है, आप चाहे जूते में दौड़ सकते हो, बिना जूतों के दौड़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये रोड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर रोड टूटी हुई है तब तो सीधी सी बात है आपको जूते पहन के ही दौड़ना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रनिंग कराई गई थी 2015 में। ठीक है ना, चलिए अब तीसरा पॉइंट हुआ था, जब आप रनिंग करके आए तो थोड़ा सा आपको आराम करने का मौका दिया गया, उसके बाद आपका हुआ बायोमेट्रिक। ठीक है, आपके जो थंब हैं, जो फिंगर्स हैं, उन सबके फिंगरप्रिंट लिए गए। उसके बाद आपका अगला काम हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही आपकी जो मूल निवास है, ठीक है, आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपकी आइडेंटिटी चाहे आधार हो, पैन हो, कुछ भी हो, आपके फोटोज़ हैं, आपकी मार्कशीट हैं, वो सब आपकी उनकी फोटोकॉपी जमा की गई और एक फॉर्म फिलअप कराया गया। ठीक है, तो यह हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसके बाद जो अगला काम हुआ वो हुआ हाइट का मेजरमेंट, यानी फिर से दोबारा आपकी लंबाई नापी गई, लेकिन यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट नहीं था दरवाजे वाला। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगी कि लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ कि किस मशीन से आपकी लंबाई यहाँ पर नापी जाएगी। दोस्तों लंबाई नापने के लिए कुछ इस तरह की मशीन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, आप इसको कंप्लीट देख सकते हो, बिल्कुल ऐसी ही मशीन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों जिनकी लंबाई 170 से काफ़ी ज़्यादा है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी लंबाई 170 के बिल्कुल आसपास है, ठीक है, 170.5 है, 170.4 है, तो वो लोग थोड़ा ध्यान से सुन लो कि वहाँ पर जब आप ये मशीन पर जाओगे, खड़े होगे, तो वहाँ पर झुक मत जाना। ठीक है, स्ट्रेट खड़े रहना, तभी आपकी लंबाई पूरी उतारेंगे, वरना थोड़ी बहुत वो कम कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं चेस्ट की। दोस्तों सबसे लास्ट में जो टेस्ट कराए गए थे वो थे चेस्ट का मेजरमेंट और वेट का मेजरमेंट। तो दोस्तों जब भी बात आती है चेस्ट के मेजरमेंट की, तो एक ही डाउट बनता है कि किस तरीके से चेस्ट का मेजरमेंट कराया गया था, मतलब आसान लेवल से या थोड़ा टफ लेवल से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करेगा उन ऑफिसर्स पर जो आपका टेस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर उनका स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल को नॉर्मल तरीके से आपके टेस्ट करेंगे। मैं आपको दोनों तरह के एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जो टेस्ट कर रहे हैं अगर उनका व्यवहार अच्छा है तो वो फीता बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेकर के जाएंगे, जो फीता होगा वो बिल्कुल वहीं पर रखेंगे जहाँ पर होना चाहिए, तो वो बिल्कुल सही तरीके से आपका टेस्ट करेंगे। और आप जानते हैं कि बिना फुलाए 80 और फुलाब होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, अगर आप जनरल SC और OBC से रिलेटेड हैं तो। तो दोस्तों काफ़ी सारे सेंटर्स ऐसे थे जहां पर जो स्टूडेंट थे वो 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पा रहे थे, तो उन लोगों ने काफ़ी राहत दे दी थी, उन लोगों ने ये कहा था कि फुला लेने के बाद 85 हो जाना चाहिए, हमें ये मतलब नहीं है कि 5 फुला पा रहे हो या 2 फुला पा रहे हो, अगर आप केवल 2 भी फुला पा रहे हो तो फुलाने के बाद 85 कर दो, हम आपको पास कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला एग्जाम्पल।
दूसरा एग्जाम्पल ये था कि काफ़ी सारे सेंटर्स ऐसे थे जहाँ पर मान लो किसी स्टूडेंट का जो सीना है वो है 90 सेंटीमीटर और वो केवल 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर फुला पा रहा है, ठीक है। तो फुलाने के बाद भाई इसका तो 92 या 93 हो गया या 94 हो गया, लेकिन इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि वो बहुत ही टफ लेवल से आपकी जांच कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ डिपेंड करेगी केवल उस पर, उन ऑफिसर्स पर जो आपका टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आप लोगों का वेट का मेजरमेंट होगा। वेट के मेजरमेंट में कोई भी बाहर नहीं होता है, जनरली मुश्किल से 100 में से कोई ही एक हो सकता है जो बाहर हो जाए, वरना वो भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट सब, अगर किसी का सीना फिट है, क्योंकि सीना नपने के बाद ही आप वेट पे जा रहे हो, अगर कोई किसी का सीना फिट आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं उसका जो वजन है वो भी सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 2015 में सारे के सारे टेस्ट कराए गए थे। अब दोस्तों मेरे पास सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपका और भी कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तब आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका पता करके आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो यार एक लाइक करके जाना, ठीक है। चलिए, जय हिंद।